अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे बेटे का दोस्त आया हुआ है कंबाइंड स्टडीज़ के लिए, तो मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ अच्छा सा बना लूँ। ये लोग अक्सर एक दूसरे के घर कंबाइंड स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो ये यहाँ पे तो कोको की मुर्गी तैयार हो रही है। मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, मैं सोच रही थी चाइनीज़ बना लूँ क्योंकि बच्चे अक्सर चाइनीज़ शौक से खाते हैं, और मैं अक्सर अपने बच्चों के लिए डिफरेंट टेस्ट के साथ चाइनीज़ स्पेगेटीज़ या नूडल्स वगैरह बनाती रहती हूँ। प्रेपरेशन मैंने तकरीबन कर ली है, वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, चिकन को मैरिनेट कर लिया है और मैक्रोनीज भी बॉईल हो चुके हुए हैं, बस अब असेंबल करना है। इसलिए यहाँ पैन गर्म होने के लिए रखा है, और ये अभी मेरे मैक्रोनीज देखें कितने अलग अलग से हैं, दाना दाना है। अगर आपको टिप्स चाहिए हो तो मैंने अपनी पिछली स्पेगेटीज़ की रेसिपी में सब टिप्स वगैरह बताई होंगी, आप वो जाके चेक कर सकते हैं और मेरी रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इस वक्त तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं रेसिपी शेयर करूं आपसे, बस चिकन फ्राई कर रही हूं और बाकी चीज़ें डालूंगी, असेंबल करूंगी और बच्चों को दे दूंगी। ये व्लॉग थोड़ा सा मैं लेट अपलोड कर रही हूं क्योंकि इसको मैं पहले भी एक दफ़ा एडिट कर चुकी हूं और इसमें एरर आ गया था, तो मुझे दोबारा इसको एडिट करना पड़ रहा है। बहरहाल व्लॉग में मेरा प्लान था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम छुट्टियों में इस दफ़ा दिसंबर की कहाँ कहाँ बच्चों के साथ गए, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ऐसे तो हम लोग ग्रॉसरी के लिए हस्बैंड वाइफ अकेले ही जाते हैं या छोटी को साथ ले जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने कहा कि इनकी आउटिंग भी हो जाएगी और साथ में इनको कुछ खिला भी देंगे। मैं मोस्टली विक्टोरिया स्टोर से शॉपिंग करती हूँ, तो हम मॉडल टाउन आए हैं तो सबसे पहले हमने कहा खाना खा लें। खाना खाने जा रहे थे कि हमने देखा खान बाबा का एक स्टॉल लगा हुआ था सूप वाला, तो मुझे याद आया कि मैंने सुना इनका सूप बहुत अच्छा है, तो सोचा कि ट्राई किया जाए, और वाकई हमने ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा हमें, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फ़ाइन पिज़्ज़ा के बिल्कुल साथ है। अब हम सूप इंजॉय करके फ़ाइन पिज़्ज़ा में आके बैठे हुए हैं। फ़ाइन पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट है वैसे ये, पहले सिर्फ इधर पिज़्ज़ा और सूप मिलता था, लेकिन अब माशाल्लाह से हर चीज़ मिलती है और इनके क्वालिटी भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा है। बहरहाल इस वक्त हमें बहुत भूख लगी हुई थी और डिसाइड हो रहा था कि क्या खाना है, आपको बच्चों की शक्लों से भी नज़र आ रहा होगा कि उतरे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और ये जमान ऑर्डर करने लगे हैं। पीछे किसी की हैप्पी बर्थडे हो रही थी बच्चे की, और ये एम्बियंस आप देख लें रेस्टोरेंट का। खाना अब हम लोगों ने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ ग्रोसरी करने। वहाँ मैं कैमरा ऑफ कर दूँगी क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं है, और वैसे भी कैमरा ऑन करके ग्रोसरी जो है सुकून से की नहीं जाती। अब बस बच्चे सोने लगे हैं, आज बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने भी, और मैंने भी इनको देख के ये खुश थे तो मैं भी बहुत खुश हुई, वैसे भी मज़ा आया। और ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट का मैं यहीं पे इख्तिताम करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही हाज़िर होंगी आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।